हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। अभी हम लोग हैं आरे के अंदर। आरे के अंदर मैं आया हूँ एक स्पेशल पर्पज़ से, एक स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए। एक स्पेशल चीज़ दिखानी है आप लोगों को, जो कि थंबनेल से पता लग गई होगी, वो है मोटर होम। मोटर होम का इंडिया में क्या स्कोप है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए आपको वेंडर सेलेक्शन के लिए, तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर किया है बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर वीडियो लास्ट तक देखें बहुत अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए और देखा जाए क्या होता है मोटर होम, कैसा दिखता है अंदर से, क्या क्या फीचर्स होते हैं। और साथ ही मैं मुलाकात करवाऊँगा उस जेंटलमैन से जिन्होंने इस मोटर होम को बनवाया है, कस्टमाइज़ करवाया है, उनको क्या क्या इशूज़ फेस हुए इस मोटर होम को बनवाने में, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये है वो मोटर होम और मेरे पीछे हैं प्रतीक जो कि ओनर हैं इस मोटर होम के। तो प्रतीक अभी हम लोगों को एक छोटा सा टूर देंगे इस मोटर होम का, फिर हम लोग प्रतीक से समझेंगे उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और वो क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को अगर आप लोग भी कोई मोटर होम बनवाना चाहते हैं तो। ओके, हाय, दिस इज प्रतीक हियर। सो ये कैरेवान जो है, मोटर होम जो है, ये फोर सीटर या फोर स्लीपर हो सकता है। सो आई विल टेक यू इनसाइड एंड आई विल शो यू कि कैसा बनाया है मैंने एटलीस्ट। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर। सो वंस यू कम इन, दिस इज द मेन सिटिंग लाउंज दैट वी कैन सी। सो दिस इज अ थ्री सीटर सोफा दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। And then here on this side is a two-seater sofa, comfortable for two people to sit आराम से, and it has a very good sitting foam, 6 inch, so आपको vehicle movement में कुछ तकलीफ नहीं आने वाली। और this is a small side table जो आप running के time पे use कर सकते हो for eating food or keeping stuff or playing Uno or anything। This is a small telephone which you can contact the driver in case you want to stop the vehicle or if you want to contact him in any which ways। इसका specific reason ये है कि आप कोई भी non-range वाले area में जाते हो you are unable to contact the driver, दिस वर्क्स हैंडी। बाकी आप तो मोबाइल से यूज़ कर ही लेते हो। देन कमिंग इनसाइड अ बिट, यहाँ पे आपको 32 इंच का स्मार्ट टीवी है, एक साउंड बार है, एक जियो का हॉटस्पॉट है जिससे आप नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजोन सब देख सकते हो। सो दैट बिकम्स वन गुड पॉइंट टू चिल अराउंड। रात को आप यहाँ पे बैठ के आराम से मूवी टाइम देख सकते हो, दैट इज़ वन। वाइल मूविंग द व्हीकल व्हेन मूव्स, इट हैज़ एसी वेंट्स अक्रॉस ऑन बोथ द साइड्स। सो जब भी व्हीकल मूव होगा तो आपको अच्छा खासा कूल मिल जाएगा। अभी हम बैक एरिया में हैं विच वी कॉल अ सेमी बेडरूम। यहाँ पे एक सिंगल पर्सन का बेड है साइड में, कंफर्टेबली एक जन आराम से आ सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट अ किचन एट टेबल वी कुड कॉल। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, बेसिक मास्क है, जो हैंडी चीज़ें लगती है वो है, एक छोटा सा वॉश बेसिन है यहाँ पे, सैनिटाइजर एंड एवरीथिंग जो डेली के लगते हैं, हियर इज़ द टैप फॉर इट। सो दिस इज़ अ बेसिक एकदम कर दिखे रखा है। एंड हियर इनसाइड इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ स्मॉल 18 लीटर फ्रिज ओवर हियर, सो व्हेन द व्हीकल इज मूविंग और इट इज स्टॉप, आपको फ्रिज तो है ही छोटा एक। बाथरूम, ये नॉर्मल घर पे जैसे 21 इंच का कमोड होता है उतने सेफ्टी तक, और मैंने उतने तक सोचा है कि 18 इंच का नहीं 21 इंच का चाहिए बिकॉज इट इज़ होम ऑन व्हील्स फाइनली। देयर इज़ अ हैंड शॉवर ऑल्सो, so if you plan to take shower obviously you can take shower also, it has 200 liters water capacity in it, so ideally 4 people can take aram se shower in it and use the washroom for the whole day। मोटर होम में घूमने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही कि जहाँ भी आपको हरी भरी जगह दिखे, पार्किंग स्पेस मिले, गाड़ी लगाइए और कैंपिंग शुरू कर दीजिए। अभी मेरे साथ हैं प्रतीक जो कि ओनर हैं इस मोटर होम के। हम लोग बैठे हैं डिस्कस करने के लिए कि इनको ये आइडिया कैसा आया कि मोटर होम बनवाना है, कब आइडिया आया, इन्होंने फोर्स की वाली गाड़ी क्यों चूज़ की, तमाम तरीके के क्वेश्चन। आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और मैं इनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, इनको आप डायरेक्ट मैसेज करके भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो मोटर होम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन आगे करें, उससे पहले प्रतीक आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
सो आई एम अ फुल टाइम वर्किंग एम्प्लॉय एट अ कंपनी एंड उसके अलावा ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन. सो आई हैव बीन राइडिंग अक्रॉस इंडिया ऑन माय बाइक एंड देन थोड़ा पैशन लेवल अप करने के लिए आई थॉट ऑफ अ मोटर होम एंड सिंस 2016 आई वॉज प्लानिंग बट होते होते 2020-21 आ ही गया एंड फाइनली आई हैव अ मोटर होम राइट नाउ. एंड मुंबई में ये होना एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आई कैन टेक इट अक्रॉस इंडिया एंड दैट इज़ अ वाव थिंग फॉर मी. तो अभी आप कहाँ घूम के आ गए इस मोटर रूम में आप? सो इनिशियली आई स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, गुजरात और मुंबई, लाइक अहमदाबाद मुंबई वॉज माई ट्रायल ट्रैक जहाँ पे व्हीकल का टेस्टिंग मैंने बहुत बार कर लिया, 3-4 बार. एंड आफ्टर दैट साउथ साइड चले गए. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम महाबलेश्वर, वाई, पंचगनी, तपोला, कोल्हापुर, आम्बा, देन वी वेंट इनटू गोवा. गोवा में 4 nights वी स्टेड एट डिफरेंट बीचेस एंड दैट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. एंड आफ्टर दैट लेवल अप करने के लिए अगेन वी वेंट टू कर्नाटका जहाँ और अच्छे बीचेस है, अनएक्सप्लोर्ड बीचेस है. सो वी ट्राइड दैट मालपे बीच हो, उड़ीपी बीच हो, वी ट्राइड मेनी बीचेस एंड देन वी केम बैक टू मुंबई. इट वॉज अ से 13-day ट्रिप एंड अलग ही एक्सपीरियंस. महाराष्ट्र आप घूम चुके हो, गोवा और कर्नाटका घूम चुके हो, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. कितने टाइम से आपके पास है ये व्हीकल? ये मेरे पास आया है 15th December 2020. आपने 2 महीने के अंदर काफ़ी गाड़ी दौड़ाई है, दैट इज़ सरप्राइजिंग. आपने बनवाई कैसे और अपने फोर्स मोटर क्यों चूज़ किया? ओके, सो इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी में मैं आपको डिटेल में 1 मिनट में समझाता हूँ. वेन एवर यू मेक अ व्हीकल, एनी मोटर होम और अ ट्रक और अ बस, यू नीड टू गेट इट अप्रूव फ्रॉम ARAI. नाउ इसमें मैंने ये चूज़ किया बिकॉज दिस इज़ अ रेडीमेड चेसिस विच इज़ प्री अप्रूव्ड बाई ARAI. तो इसके अंदर मैंने इंटरनल मॉडिफिकेशंस करा है विच इज़ अलाउड. उसके लिए भी थोड़ा प्रोसेस होता है RTO का, हर स्टेट का अलग प्रोसेस होता है, यू गॉट टू फॉलो दैट एंड देन आप इस पर बना सकते हो. अगर आप खुद से ऑल टुगेदर एक चेसी बना रहे हो तो उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कॉस्ट इंक्लूजन भी थोड़ी ज़्यादा है. सो इसलिए आई चूज़ अ फोर्स, इट इज़ अ मर्सिडीज इंजन इन द फोर्स व्हीकल. सो 10 ईयर्स तक तो इसकी लाइफ आराम से है. सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये 10 साल तो आराम से चल लेगा. और एक चीज़ और नोटिसेबल आपने बताया कि आपने चूज़ की सेकेंड हैंड गाड़ी, फर्स्ट हैंड नहीं, तो आप सेकेंड हैंड ही सजेस्ट करोगे लोगों को या लोग फर्स्ट हैंड में भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर कोई बनवाना चाहे तो? ओके, सो मेरा पर्सनल रीज़न फॉर सेकेंड हैंड बीइंग, मैं खुद ट्राई कर रहा था कि कुछ नया कंसेप्ट लाऊँ, हाउ डज इट वर्क, मेरे लिए कैसा है. थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए भी आई ट्राइड कि सेकेंड हैंड लेके इंटीरियर्स चेंज करते हैं. ऑब्वियसली नाउ इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी आई टेल यू कि फर्स्ट हैंड ही ले लो बिकॉज उसमें बहुत आपका कॉस्ट सेविंग भी होगा, बहुत RTO का सेविंग भी होगा एंड आपको एक फ्रेश व्हीकल मिलेगा. दिस इज़ मेरा ट्रायल व्हीकल जो ऑब्वियसली बहुत सही है बट मेरे पैशन से मैंने एक बनाया कम कॉस्ट में, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है सेकेंड हैंड, बट फर्स्ट हैंड इज़ एनी डे बेटर. प्रतीक रिकमेंड कर रहे हैं फर्स्ट हैंड व्हीकल, सेकेंड हैंड व्हीकल में कॉस्ट कितना है और फर्स्ट हैंड में कितना प्राइस डिफरेंस होगा, कुछ इसका आइडिया देंगे आप प्रतीक? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द व्हीकल दैट यू चूज. दिस इज़ अ T1 4020. आप इसमें एक हायर वर्जन भी आता है जो कि 6-व्हीलर आता है, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. उसमें आपको स्पेस थोड़ी डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी एंड कॉस्टिंग में पकड़ लो ना, एक जो वेरिएशन मॉडल वेरिएशन का डिफरेंस होगा से अराउंड वो बेस व्हीकल में अराउंड इट्स 3-4 lakhs का डिफरेंस, वो तो आपको बेस मॉडल में ही आएगा. बाकी इंटीरियर कॉस्ट वुड गो अराउंड से थोड़ा ऊपर नीचे होगा. इसकी बेस कॉस्ट तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा बट येस यू कैन डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे करके इससे एक हायर वर्जन में आप बना ही सकते हो. तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपके हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा अगर कोई बेयर मिनिमम जो बेसिक फैसिलिटी के साथ जो बेसिक फीचर के साथ बनाना चाहे तो एक मोटर होम ऑन रोड कितना कॉस्ट करेगा? और व्हीकल कॉस्ट तो आप पकड़ लीजिए से अराउंड नया व्हीकल है तो 15 lakhs तो है ही एंड उसके ऊपर मॉडिफिकेशन फैब्रिकेशन से 5-20 lakhs तक मेरे हिसाब से बेसिक कॉस्ट में आ जाना चाहिए. अगर आप उसमें बहुत अच्छा फैब्रिकेशन लेवल क्वांटिटी सब ज़्यादा यूज़ करोगे तो कॉस्टिंग ऑब्वियसली बढ़ेगा. देर आर मल्टीपल वेरियस प्लेयर्स इन दिस जो आपको अलग अलग मटेरियल दिखा देंगे बट बेसिक कॉस्टिंग शुड बी अराउंड 5-20 lakhs के बीच में ही आपको बना के बेसिक मिल जाएगा जिसमें आपका वॉशरूम आ जाएगा, स्लीपिंग बेड्स आ जाएंगे, TV, फ्रिज, ये सब बेसिक बेयर मिनिमम चीज़ें जैसे एक मोटर होम में होनी चाहिए वो सब आ जाएंगी. तो इसमें लीगल रजिस्ट्रेशन सब कुछ इंक्लूडेड है या इसके अलावा? लीगल तो सर कैसे होगा ना कि जो स्टेट में होंगे उसका अलग टैक्स होता है. सो जैसे महाराष्ट्र में है ए टैक्स, आप गुजरात में जाओगे तो बी टैक्स, तो वो सब उधर के RTO लीगल रजिस्ट्रेशन RTO खर्चे इसके ऊपर ही जाएंगे. तो बेसिकली 20-35 lakh आपकी गाड़ी बनाने का खर्चा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसके ऊपर आएगा. ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. आप रिकमेंड करेंगे कि मोटर होम बनवाइए, होटल से अलग कुछ एक्सपीरियंस कीजिए घूमने के लिए.
ट्रैवल पैशन है जिनका भी, और मोटर होम और व्हीकल्स में जिसको इंटरेस्ट है, आई एम श्योर इसको मोटर होम यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतीक मुझसे मिले कैसे, अभी तक मैंने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया था। मैंने दो वीडियोज़ बनाए थे आर वीज़ के ऊपर जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद भी किया। उन्हीं में से एक वीडियोज़ को देख के प्रतीक ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और बोला कि लेट्स मीट और देखते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ टिप्स थे अगर आप मोटर होम बनवाना चाहते हैं तो वेंडर सिलेक्शन को लिए स्पेशली। तो वेंडर सिलेक्शन पे आपके क्या टिप्स हैं, आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? एक दो तीन चीज़ें हैं वेंडर सिलेक्शन में। फर्स्ट चीज़ इज़ आपके घर से वो वेंडर पास होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मारुति व्हीकल और अ फॉक्सवैगन व्हीकल जो आप सर्विस सेंटर भेज दो रिपेयर होके आ जाएगी। यस, इंजन पार्ट ऑब्वियसली आपका सर्विस सेंटर पास में होगा, बट इंटीरियर्स में आज आपको ए डिज़ाइन पसंद आया है, आपको स्लाइट चेंजेस करने हैं, आप 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको समझेगा कि अरे मुझे ये नहीं ये पसंद आ रहा है, तो आप समझो यहाँ बैठे और वेंडर आपका दिल्ली में है, तो मुंबई से दिल्ली आप व्हीकल तो भेज नहीं पाओगे हर बार। तो वेंडर शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर हाउस, दैट इज़ द फर्स्ट मेजर पॉइंट आई वुड सजेस्ट। सेकेंड, वेंडर शुड बी ARAI सर्टिफाइड। आपको बॉडी बिल्डर्स फैब्रिकेटर्स हर गली नुक्कड़ पे हाईवे पे मिल जाएंगे जो आपको गलत गलत अश्योरेंसेस और अलग लेवल प्रोमिसज देंगे कि आपकी व्हीकल DC से भी अच्छी बना के दे देंगे, बट दे आर नॉट रियली वर्थ इट। आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो आपको बोलेंगे अरे सर अभी ये पॉसिबल नहीं है व्हीकल में, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, एंड मेनी मोर रीजन। आई हैव बीन थ्रू इट, आई हैव सीन मेनी वेंडर्स। तो मैं ये बोलूँगा कि जो ARAI सर्टिफाइड वेंडर्स हैं ऑब्वियसली उनके पास जाओ। आप सर जो लिंक डाल रहे हैं चाहिए तो उसमें से आप फाइनल जब बनाओगे तभी मुझे चाहिए तो कनेक्ट कर लेना। आई वुड सजेस्ट कि कौन सा वेंडर लेना है कौन सा वेंडर नहीं लेना है, बिकॉज एक है कि जो सर्टिफाइड वेंडर्स है दे नो द व्हीकल लेंथ कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए, वरना आप लंबी गाड़ी बना दोगे RTO के पास जाओगे एंड दे वुड रिजेक्ट इट, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे व्हीकल को कट करने के अलावा। अगर व्हीकल को कट करना है दैट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट एंड फिर से रीमेक करना पड़ेगा आपको व्हीकल, सो इट्स लाइक गोइंग टू स्टेप जीरो। सो वेंडर सिलेक्शन जो पार्ट है इस पार्ट में, आप गाड़ी लेके घूमोगे आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा इज़ द बेस्ट पार्ट, बट उसके पहले जो आपको हेडेक होगा वो आपको ज़रूर अवॉइड करना है, और वो अवॉइड करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड वेंडर ही सिलेक्ट करना है। उसके अलावा सोचना भी नहीं कि और कुछ करे कि सस्ते में चलो इधर लैक्स बच रहा है, 1-2 लाख कम हो रहा है तो मैं इससे करवा लूँ, वैसे मत करना, बिकॉज दिस व्हीकल विल स्टे विथ यू फॉर से 10 ईयर्स, आपका घर होने वाला है ये। तो आज आप थोड़ा कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लोगे, बट वेन यू स्टार्ट लिविंग इन इट, ट्रैवलिंग इन इट, आप मूव करोगे तो थोड़ा आपको फिर किधर ना किधर एक हिचकिच होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट पॉइंट वुड बी इन योर माइंड ऑल द टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप स्टार्ट में ही एक अच्छा व्हीकल बना लो अच्छे कंपनी से, ताकि यू कैन यूज़ इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक्स फॉर द टिप प्रतीक, मेरे हिसाब से अच्छा टिप दिया। अगर कोई भी बनवाना चाहता है मोटर होम तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप था, इसी के लिए स्पेशली मैंने ये वाला वीडियो बनाया। और हालांकि ये पेड प्रमोशन नहीं है इनके इस मोटर होम का, फिर भी अगर आप रेंट आउट करना चाहें इनका मोटर होम तो वो अवेलेबल है, इनको DM करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रतीक से चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं, अगर अच्छा लगा हो गिव अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।